गाइज, मैं आपके लिए फिर से हैंड रिटन सोल्ड असाइनमेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं आपको। तो देख सकते हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स का है और नाम है आपका सब्जेक्ट का पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो आप नाम पढ़ लीजिएगा और साथ में कोड वगैरह भी मैच आउट कर लीजिएगा। आप साथ ही साथ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, देखिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चों के लिए हमने ऑलरेडी दो असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए जो मेन सब्जेक्ट होते हैं डिसिप्लिन में। ठीक है ना, ये आपका थर्ड सब्जेक्ट है, इट मीन्स आपके तीनों डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उन सारी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियोस को। अगर आपका असाइनमेंट नहीं बना तो आप वीडियो को देख के बना लीजिएगा। आप बात करते हैं कि भाई आपको ये असाइनमेंट मैं कौन से मीडियम में प्रोवाइड कराऊंगा, तो हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कराऊंगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर सोल्यूशन ये है कि भाई हिंदी मीडियम जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इंग्लिश हिंदी मीडियम में ही कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अलाउ होता है सोल की तरफ से, ऐसा नहीं होता कि आपने एक जो असाइनमेंट है वो इंग्लिश मीडियम में कर लिया तो एक हिंदी मीडियम में, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप कोई सा भी असाइनमेंट किसी भी मीडियम में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इस वजह से ही क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में दिए जाते हैं। तो आप एक असाइनमेंट इंग्लिश में भी कर सकते हो और एक असाइनमेंट हिंदी में भी कर सकते हो। तो अगर आपको ना मिल रही हो कहीं इंग्लिश में तो आप हिंदी में कर लीजिएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको हैंड रिटन प्रोवाइड कराऊंगा सॉल्यूशन, कहीं से टीपा टापी नहीं की गई है, हमने खुद ने पढ़ के फिर राइट करा है। आप बिल्कुल बेशक चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन कौन सा प्रोवाइड कराया हमने आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको वो प्रोवाइड कराया और जो थर्ड क्वेश्चन है ये प्रोवाइड कराया। तो ये तीन दो क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए आप चलते हैं अपने पीडीएफ की ओर। तो देख सकते हैं गाइज, आप ये रही आपकी पीडीएफ। तो आप इस पे क्वेश्चन ऐसी है, आपको नाम, रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर, पेपर कोड वगैरह आपको डालना है, पेपर टाइटल, एंड देन आपको क्वेश्चन उतारना है और फिर आपको आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। और यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो असाइनमेंट की वीडियो है वो भी फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन मिल रहा है और इस वजह से ही हम आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा रहे हैं असाइनमेंट। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ईजिली अपने असाइनमेंट बना सके। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप पेमेंट करोगे मैं आपको सेंड कर दूँगा पीडीएफ। पीडीएफ का जो प्राइस है वो 20 रुपये है मात्र, तो आप 20 रुपये में पीडीएफ खरीद सकते हैं। वैसे आपको पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं है, आप रोक रोक के भी लिख सकते हो, और अगर आपको रोक रोक के लिखना कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप पीडीएफ खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं शांत हो जाता हूँ और आप फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए।